हाय अंजुमन, आज मैं आपके साथ वो बातें शेयर कर रहा हूँ कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में मैंने गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर के क्या एस्पेक्ट सीखे। तो ये अपना खुद की मैं आपके सामने मार्कशीट को मैंने कंपाइल किया अलग अलग सेमेस्टर के अकॉर्डिंग अलग अलग ईयर्स में। तो ये आप देखिए कि 4 ईयर का ग्रेजुएशन था और उसमें सेमेस्टर वाइज सिस्टम के हिसाब से क्या उसमें क्रेडिट पॉइंट्स हैं वो भी मेंशन है इसमें। और बाद में ये दो जो हैं ये पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं, ये आप देख रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन 99 से 2000 का बैच में था और प्लांट पैथोलॉजी में स्पेशलाइजेशन था। तो जो स्टार्ट हुआ था फर्स्ट ईयर का फर्स्ट कोर्स जो था वो था प्रिंसिपल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड प्लांट प्रोपेगेशन। ओवरऑल हॉर्टिकल्चर में व्हाट आर द प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व, तो जो मेनली हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं इसमें फ्लावर्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट क्रॉप्स हो गए, इनके क्या प्रिंसिपल्स हैं। दूसरा हाउ टू प्रोपेगेट देम, यानी आप एक प्लांट से दो प्लांट, फॉर एग्जांपल रोज है तो उसमें कटिंग किया आपने, बल्ब्स हैं, लिलीज हैं तो सेपरेट किया, और इसके अलावा जो सीड से सीजनल फ्लावर्स वगैरह ग्रो करते हैं या सीजनल वेजिटेबल्स वो कैसे प्रोपेगेशन मेथड्स हैं वो, इनके अलावा जो हमारा बाकी वेजिटेटिव मेथड्स आता है प्रोपेगेशन का, क्योंकि आमतौर पे आप पार्क वगैरह में ऑब्जर्व करते होंगे जो गार्डनर्स करते रहते हैं, ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग, ये सब एस्पेक्ट जो थे ये फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में कवर किया मैंने। उसके बाद जो हमें पढ़ाया गया वो एग्रोफॉरेस्ट्री था। एग्रोफॉरेस्ट्री जो है वो गार्डनिंग से बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, बट उसमें बेसिकली हम ये सीखते हैं कि एग्रीकल्चरल फील्ड्स होते हैं उनके बीच में कैसे फॉरेस्ट प्लांट्स को ले सकते हैं ताकि एक मिक्स फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन हो। इसके बाद सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में फ्रूट्स के बारे में पढ़ा, हाउ टू ग्रो फ्रूट्स, तो वो फ्रूट ग्रोइंग का कोर्स था। इसके बाद नेक्स्ट में आया सेकेंड ईयर में, सेकेंड सेमेस्टर में वेजिटेबल। सो लेट्स रिवाइज प्रिंसिपल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड प्लांट प्रोपेगेशन। प्रिंसिपल्स में कौन कौन से प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं ओवरऑल हॉर्टिकल्चर में और प्लांट प्रोपेगेशन में, जैसे कि हमने अभी बात किया कटिंग्स, सकर्स, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ये सारे मेथड्स हो गए प्लांट प्रोपेगेशन में अपार्ट फ्रॉम सीड्स, जो कि आप आमतौर पर वेजिटेबल्स या सीजनल फ्लावर्स में करते हैं। तो उसके बाद फिर सेकेंड जो कोर्स आया वो था हाउ टू ग्रो वेजिटेबल्स, किसी सीजन के अकॉर्डिंग जो हम सब्जियां वगैरह लगाते हैं वो कैसे लगा सकते हैं, उनको क्या वाटरिंग, क्या प्रोटेक्शन, क्या न्यूट्रिशन चाहिए। तो खास करके जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं या व्हेन वी टॉक अबाउट हाउ टू ग्रो, दैट मेनली इन्वॉल्व्स न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन एंड अदर कल्चरल ऑपरेशंस इन्वॉल्व इन द गेटिंग मैक्सिमम प्रोडक्शन। बट गार्डनिंग की जब हम बात करते हैं तो वो पैमाना बहुत छोटा हो जाता है। तो इन सब के बाद जो मेन आता है वो होता है जो हमने बात किया कि गार्डनिंग में कौन कौन से प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं और किस तरीके से आप स्मॉल स्पेसेस में मैनेज कर सकते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। इस तरीके से गार्डनिंग की जो लर्निंग थी वो मेन स्टार्ट हुई थर्ड ईयर से। थर्ड ईयर में जो है वो आप देख रहे हैं कि ऑर्नामेंटल गार्डनिंग का कोर्स आया, इसका भी सेमेस्टर क्रेडिट आप देख रहे हैं। तो गार्डनिंग का ये जो पोर्शन है यही मेन है जो आमतौर पे हम डेली रूटीन में फॉलो करते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा भी स्पेस होता है किसी ना किसी रूप में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप गार्डनिंग को पसंद करते हैं, चाहे आपने इसको इंडोर प्लांट्स लगा रखे हो, आउटडोर प्लांट्स लगा रखे हो। आजकल तो गार्डनिंग में बहुत सारी अलग टेक्निक्स भी आ गई हैं जो लोग घर में फॉलो कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे कि सॉइललेस गार्डनिंग भी हो गई है, हाइड्रोपोनिक्स में और जो मेथड्स हैं, इवन एरोपोनिक्स भी अब गार्डनिंग में लोग प्रैक्टिस करने लग गए हैं। तो गार्डनिंग में जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और चूंकि गार्डनिंग एक एस्थेटिक एस्पेक्ट है आपको नेचर को चेरिश करने का, तो ऑर्नामेंटल गार्डनिंग है। इसके अलावा जो जब हम फूड प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हॉर्टिकल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फूड प्रोडक्शन में, एंड फॉर दैट आई लर्न्ड फ्रूट एंड वेजिट
vegetable preservation. Fruits and vegetables being seasonal, there are chances कि वो आप बहुत लंबे टाइम तक आप उनको enjoy नहीं कर सकते हो. So preservation जैसे है उसका best example होता है pickling में या marblets में या आम के में. आप देखते हैं कितनी forms of उसमें products हैं क्योंकि हम mango से produce करते हैं. और इसके बाद जो final year के second half में second semester में floriculture सिखाया गया हमें. फ्लोरिकल्चर में होता है जब आप मास प्रोडक्शन करते हैं, जब फार्मर्स बल्क में प्रोड्यूस करते हैं क्रॉप्स को, जैसे कि रोज, जरबेरा, फ्लावर्स, इसके अलावा कार्नेशन. आजकल काफ़ी ज़्यादा लिलीज में एसेटिक लिलीज का भी प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो प्रोडक्शन फ्लोरिकल्चर के अंदर आता है. प्लस आता है नर्सरी मैनेजमेंट कि जब फार्मर जो है वो नर्सरी लगाते हैं तो उनमें क्या क्या बातें केयर करी जाती हैं, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है लर्निंग का. और इसके बाद चूंकि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आप देखेंगे कि इसमें मास्टर डिग्री के दौरान चूंकि पैथोलॉजी मेरा मेन सब्जेक्ट था और एंटोमोलॉजी सेकेंड सब्जेक्ट था, आप देख रहे हैं यहाँ पे माइनर फील्ड, तो इसमें हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स की जो डिजीजेज हैं वो पड़ेगी. आमतौर पे क्या होता है कि आप इवन अगर हम गार्डनिंग की बात करेंगे तो इसमें भी जो डिजीज आती हैं, बीमारियां बहुत ज़्यादा आती हैं और कई बार हम उनको अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं. ऑर्चर्ड्स में तो फार्मर्स को बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ता है डिजीज को. और इसी तरीके से लास्ट में जो मुझे पढ़ने का मौका मिला वो था पेस्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स. हॉर्टिकल्चर में बहुत सारे पेस्ट आते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें लीची की तो उसमें जो चमगादड़ है बैट, उसका बहुत ज़्यादा ही अटैक पाया जाता है. तो इस टाइप से इसके अलावा प्राइमेट्स पेट्स भी हैं और रोडेंट्स हो गए, फ्रूट फ्लाइज हो गई, तो मेजरली इंसेक्ट पेस्ट जो हैं उनको किसान स्ट्रगल करते हैं मैनेज करने के लिए ऑर्चर्ड क्रॉप्स में और बाकी भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में. खास करके अगर हम सब्जियों की बात करते हैं तो उनमें थ्रिप्स हो गया, मिलीबग्स हो गए, इसके अलावा जो है स्केल इंसेक्ट्स हो गए, और सब्जियों में लेपिडोप्टेरन पेस्ट काफ़ी ज़्यादा हैं, कीड़े पतंगे जिनको हम बोल देते हैं तितलियाँ, उनके बच्चे जो वो काफ़ी सब्जियों को नुकसान करते हैं. तो ये सारे एस्पेक्ट्स आप देख रहे हैं, ये सब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान मुझे सीखने का मौका मिला. तो आई थॉट कि आपके साथ भी ये बातें शेयर करूँ. होप कि ये जानकारी आपको यूजफुल रहेगी कि क्या क्या एस्पेक्ट जो हैं हम ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं हॉर्टिकल्चर के रिगार्डिंग और या गार्डनिंग के अलावा. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम ऑन दिस वीडियो.